तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पायलट की सैलरी कितनी होती है। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि एक पायलट को किस तरह से वेतन दिया जाता है। तो अगर दोस्तों आप भी एक पायलट बनना चाहते हैं तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि एक पायलट को किस तरह से वेतन दिया जाता है। आपके उसी सवाल का जवाब लेकर हम अपनी वीडियो में आए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक पायलट को किस तरह से सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी पायलट की सैलरी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप वीडियो से जुड़े रहिए आखिरी तक। चलते हैं दोस्तों पायलट की सैलरी के बारे में जानने के लिए। तो चलो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आइए चलिए दोस्तों, पायलट की सैलरी कितनी होती है। अगर सीधे सीधे पायलट की सैलरी की बात करें तो इंडिया में जितने भी पायलट हैं उनकी सैलरी लगभग 90,000 रुपये प्रति महीना से लेकर 5.5 लाख रुपये प्रति महीना तक जाती है। एक पायलट की सैलरी इतने से इतने रुपए के बीच होती है। इसका मतलब है कि पायलट में आप किस पद पर हैं वह आपके वेतन का निर्धारण करता है। मतलब यह है कि पायलट का अनुभव है कम तो आपको आधार पर अलग अलग पोजीशन में बांटा जाता है और इसी हिसाब से आपकी सैलरी भी तय की जाती है। जैसे कि यदि आपने शुरुआत की है और आप निचले पद पर हैं जैसे कि जूनियर पायलट, तो आपकी सैलरी कम होती है और अनुभव और बढ़ते पद पर सैलरी साथ में बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, आपको इनकी सैलरी के बारे में जानकारी मिल गई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें ताकि पायलट की सैलरी के बारे में आपके दोस्तों को भी काफ़ी मदद मिल सके। और दोस्तों, आपको वीडियो को लेकर कोई सवाल है या आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो।